उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ग्रीन टिक्के की रेसिपी। बहुत आसान और बहुत ही फटाफट बन जाने वाली रेसिपी है। इसके लिए मैंने दो जो है थाई के पीस लिए हैं, लेग पीस लिए हैं चिकन के। तो इसमें सबसे पहले जो हमने करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसमें कट लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें कट लगाना है ताकि हम जो भी इसमें मसाला वगैरह लगाएँ वो अच्छे तरीके से हमारी चिकन के अंदर पहुँच जाए। एक आध कट जो है हम ये इस तरफ से भी लगा देंगे लेग पे। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, आप एक बार बनाएंगे, आप बार बार बनाएंगे और इतनी ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा मसालों की भी इसके लिए ज़रूरत नहीं है। रेड मसाले के खा खा के बंदा थक जाता है, तो चेंज आना चाहिए। ये देखें, इस पर इस तरह के हमने कट लगाने हैं ताकि ईजिली सारा मसाला जो है चिकन में अच्छे तरीके से लग जाए। सबसे पहले मैं जो ये चिकन जो है इसमें कट लगाएँ, इसमें नमक, अच्छा नमक मैं इसमें जो है बस समझे 1/4 टीस्पून जो इसमें मैं नमक लगा रही हूँ, बाकी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताऊँगी किस पॉइंट पे और किस टाइम। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने सिरके का लिया है, ये इसमें हम लगा देंगे इस तरह से। और इसको मैरिनेट करके 10 से 15 मिनट के लिए सिरके और नमक के साथ रख देंगे। तो ये देखिए, हमारे टिक्के को जो है 10 मिनट हो चुके हैं नमक के साथ और किस सिरके के साथ लगा के रखे हुए। अब हम इसमें जो है इस पॉइंट पर लहसुन अदरक का पेस्ट लगाएंगे। आप सिर्फ ये देखें कि कितना आसानी से बन जाने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होता है। बस इसमें अच्छे तरीके से हम जो भी इंग्रेडिएंट्स लगा रहे हैं उनको बहुत अच्छे से हमने लगा देना है टिक्के में। ये मैंने जो है एक प्याली में हरी मिर्च और हरी धनिया का पेस्ट बना के रखा है। बस हमने इसको सिंपल यूँ किया है, मैंने 3 से 4 मोटी हरी मिर्चें ली हैं और आधी गड्ढी मैंने हरी धनिया के लिए। अच्छा, इस पॉइंट पर मैंने इसमें भी नमक डाल दिया था 1/4 टीस्पून और उसके साथ मैंने इसको इस तरह से गाढ़ा से इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे टिक्कों पे जो है अप्लाई करेंगे। बहुत ही खुशकर और बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आप एक मरतबा बना के देखिएगा, आपको लाजमी पसंद आएंगे। अच्छा, अब इसी पॉइंट पे मैं इसमें दही भी शामिल करूँगी। दही भी हम इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब शामिल करेंगे। इससे इसका बड़ा अच्छा सा जो है जूसी सा टेक्स्चर आता है और बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ये देखिए, मैंने इसको ये हरे मसाले के और दही के साथ मैरिनेट कर दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देती हूँ ताकि हमारे जो हरा मसाला और दही है ये अच्छे तरीके से इसके अंदर लग जाए। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कितनी देर पकाना है। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब ये मैंने पैन में जो है ऑयल डाल दिया है, पैन गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है और बिल्कुल मैंने जो है स्लो चूल्हा रखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं ये ग्रीन टिक्के को रख दूँगी इस तरह से, और इसमें जितनी भी इसकी मैरिनेशन है वो इसके साथ ही मैं इसको रख दूँगी। अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं और 10 मिनट के बाद जो है, क्योंकि दही में भी अपना पानी है तो ये उसमें गलना शुरू हो जाएगी। 10 मिनट के बाद हम इसको पलटते हैं, फिर आपको इसका लुक दिखाते हैं। तो देखते हैं, हम 10 मिनट हो गए हमारे चिकन टिक्को को रखे हुए। ये देखें, ये गलना शुरू हो गया है। देखें हड्डी के पास से गोश्त बिल्कुल इस तरह, देखें कितना अच्छा गला है, इतनी अच्छी मैरिनेशन हुई है। मैंने इसमें दही भी लगाया था और सिरका भी, तो इससे बहुत ही अच्छा कलर है। आप देखें कितना अच्छा सा हो रहा है, इससे कलर भी बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। अब मैं इसको दूसरी साइड से भी 10 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ। आप ये देखें, 20 मिनट में ज़बरदस्त हमारे टिक्के तैयार हो रहे हैं बिल्कुल आसान से मसालों के साथ। तो ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं और बेहतरीन किस्म के ये देखें हमारे टिक्के जो है रेडी हो चुके हैं, कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। ये वाला भी मैं पलट देती हूँ। अब इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर मैंने एक अल्मोनियम फॉइल लिया है, आपके पास में कटोरी वगैरह कोई हो तो आप वो रख दीजिएगा। और मैंने कोयला जो है वो दहकने के लिए रख दिया था, ये मैं इस पर इस तरह से रख दूँगी। या आपके पास कोई ऐसी कटोरी हो तो आप वो भी रख सकते हैं ताकि हम इसको बिल्कुल जो है उसका सीख का फ्लेवर दे दें। हम इसको धुएँ वाला कोयले का ये रखें, हम इसको स्मोक के लिए 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। चलिए, अब हम इस कोयले को उठा लेते हैं और यकीन जाने बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारबेक्यू चिकन टिक्का तैयार हुआ है। इतना अच्छा जो है धोने के बाद फ्लेवर आ रहा है, हल्का सा हम इसे शाइनी लुक देने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल मज़ीद लगाया है और इस पर हल्की सी मैं ये वही धनिया मिर्च की जो मैंने चटनी सी बनाई थी वो अप्लाई कर रही हूँ ताकि इस पर एक फ्रेश से ग्रीन सा कलर भी आ जाए। मैंने इसमें फूड कलर यूज़ नहीं किया है, आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आप करना चाहे कर लें, लेकिन इससे भी इसका बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा ग्रीन कलर आ रहा है। ये देखिए, अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। आप ये देखिए कितने अच्छे जूसी से बने हैं और ये गले भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। तो ये देखिए, बेहतरीन किस्म का हमारा ग्रीन जूसी ग्रीन टिक्का चिकन टिक्का तैयार हो गया बनके बिल्कुल बारबेक्यू फ्लेवर के साथ। तो आप भी बनाएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
अपना ढेर सारा ख्याल रखें और फटाफट आसान सा कम मसालों का ग्रीन चिकन टिक्का बनाएं। अल्लाह हाफिज़।